हेलो दोस्तों, जो चीज़ आप मेरे इस वक्त हाथ में देख रहे हैं वो दोस्तों मैंने अपने प्रिंटर को तोड़ के निकाली है। मेरा दोस्तों प्रिंटर था HP का, जो कि 3-in-1 प्रिंटर था, जिससे हम स्कैन भी कर सकते हैं, फोटो स्टेट भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों वो ख़राब हो गया था, वो वर्क नहीं कर रहा था। उसमें जो मेन पार्ट रहता है, AC DC करने वाला सिस्टम एंड कई सारे सिस्टम ख़राब हो गए थे, तो मैंने उसे तोड़ दिया, देखा इसके अंदर क्या निकलेगा। मैंने अपने प्रिंटर को तोड़ा तो ये ऐसे ऊपर ये ऐसा रखा रहता है। ये क्या हमारा स्कैनिंग पार्ट होता है, यहाँ एक मोटर होती है जो कि मूव करती है, जैसे ये हो गई, ये ऐसे ऐसे जाती है और ऐसे ऐसे आती है, जो कि हमारे पेजेस को स्कैन करती है। ओके, और ये हमारा जो पार्ट होता है कि यहाँ से जो पेज, ये रोलर देख रहे हैं आपको, ये होता है, यहाँ से मूव होता है, तो ये रोलर मूव हो रहे हैं, देखिए रोलर मूव होते हैं, तो उससे क्या पेज अंदर जाता है और बाहर जाता है, ये होता है बस। और ये देखिए पूरा एक गियर सिस्टम बना हुआ है, यहाँ ये इतने सारे गियर घूम रहे हैं, इस व्हील के मदद से भी ये गियर घूमते हैं, देखिए सारे गियर घूम रहे हैं। और इसमें कई सारी स्प्रिंग भी लगी रहती हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये स्प्रिंग लगी हुई है ये, ओके, और देखिए एक स्प्रिंग ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। दोस्तों मैंने अपने ये प्रिंटर को तोड़ा, उसमें दो मोटर निकली, एक मोटर ये निकली है, ये 12 वोल्ट से चलने वाली मोटर है, और एक ये निकली है जो कि जो स्कैनर में लगी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।